अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक्स इन्फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ 347 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड गेस पेपर। ये क्वेश्चन एग्जाम में हर बार रिपीट होते हैं, जिसकी वजह से इनके आने के चांसेस 100% होते हैं। अगर आप लोग इनकी प्रिपरेशन अच्छे से करोगे तो एग्ज़ाम में 80% मार्क्स ईजिली हासिल कर सकते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। और इसके साथ साथ आप लोग अपनी पास्ट असाइनमेंट को लाजमी प्रिपेयर किया करें, क्योंकि मोस्टली एक या दो क्वेश्चन आपकी असाइनमेंट में से भी आ सकता है। अब बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बैंक की 3-4 इकसाम तहरीर करें, नेज बैंक ड्राफ्ट बनवाने और कैश करवाने का तरीका लिखें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, ज़रे पॉलिसी या ज़रे अतबार पर कंट्रोल करने के मकासद बयान करें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, बैंक के अतबारी खतूत की इकसाम और खसूसियत को बयान करें। नेज इस्लामी निज़ाम बैंककारी पर एक नोट लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, बैंक के गाहक से क्या मराद है, गाहकों की इकसाम बयान करें। नेज गाहक के दरमियान तल्लुकात की नौइयत को तहरीर करें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, पाकिस्तान की माशी तरक्की में बैंकों के करदार पर रोशनी डालिए। नेज प्रामिसरी नोट की 3-4 इकसाम और लवाजमात बयान करें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, कर्जे की इकसाम लिखें, कर्ज़ा देने के असूल और एहतियातें तहरीर करें। नेज बिलहाज मकासद और बिलहाज कफालत बयान करें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, तहवील पजीर आलात ज़र क्या हैं, तहवील पजीर आलात ज़र की खसूसियत बयान करें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, बचत खाता तरीफ व खसूसियत बयान करें। नेज खाते की इकसाम को भी तहरीर करें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, पाकिस्तान में बैंककारी की तोसी कब और कैसे हुई नोट लिखें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, मरकजी बैंक की अहमियत फ्राइज़ और दायराकार को बयान करें। नेज बैंक के ज़रिए कारोबारी लेन देन से कारोबार को क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में कई अहम माली अदारे अपना करदार पेश कर रहे हैं, इन पर नोट लिखें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, ज़र कागजी के निज़ाम के तहत शरे मुबादला के तयन का जायज़ा पेश करें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, चेक की तरीफ फ़ायद और इकसाम बयान करें। नेज चेक और हैंडी में फ़र्क भी लिखें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, मदरजा ज़ैल पर नोट लिखें। ये एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाए गए हैं, जिनमें क्रॉस्ड चेक, सेफ डिपॉजिट लॉकर्स एंड इन ज़बात मुबादला एंड ज़र कागजी तरसील ज़र एंड स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट है बैंक ड्राफ्ट। नेक्स्ट है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। एंड नेक्स्ट है तामनी बैंक। नेक्स्ट है ज़री पॉलिसी। एंड नेक्स्ट है ज़र मुबादला। नेक्स्ट है प्रॉमिसरी। एंड सेकंड लास्ट है फहरिस्ती बैंक। एंड लास्ट पॉइंट है तजारती अतबारी ख़त। जी स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के साथ 347 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड गेस पेपर शेयर किए हैं। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट लाजमी कर दिया करें, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और लास्ट में यही कहूँगी, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी और कामरानी अता फरमाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।